नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। जी हां, चिकित्सा व शिक्षा विभाग में 8वीं पास के लिए बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप सरकारी नौकरी वाकई में करना चाह रहे हैं, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो वीडियो को बंद कर दीजिए या स्किप कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, वो भी बिना किसी फीस जमा की हो और आसानी से, वो भी इस समय जो भारत में इतनी बड़ी महामारी चल रही है, इस समय अच्छा मौका है आपको 8वीं पास के लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी पाने का। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। गवर्नमेंट ऑफ आसाम, जी हाँ, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कम चीफ सुप्रिटेंडेंट के द्वारा 6 मई 2020 को यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये एडवर्टाइजमेंट संख्या भी बताया गया है। ये सारी जो भी वैकेंसी हैं, ग्रेड 4th की वैकेंसी निकाली गई हैं और यहाँ पर मेडिकल और कॉलेज शिक्षा विभाग सभी से संबंधित अलग अलग तरीके की वैकेंसी निकाली गई हैं। सबसे पहले पोस्ट और यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी चीज़ें हम बताएंगे, नंबर ऑफ पोस्ट भी बताएंगे और क्या पेमेंट मिलेगा, कितनी वैकेंसी है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल की 8वीं पास के लिए नौकरी है, 12,000 से 52,000 सैलरी मिलेगी। कुल नंबर ऑफ वैकेंसी 31 हैं जिन्हें कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। UR, OBC, अन्य EWS अन्य को डिवाइड किया गया है, वो आप देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें। ग्रेड 4th की है, 8वीं पास है, सेम सैलरी है, 4 वैकेंसी है। अटेंडेंट की सेम क्वालिफिकेशन, सभी 8वीं पास के लिए है, याद रखें, सेम सैलरी है, 10 वैकेंसी निकाली गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंट की है सेम क्वालिफिकेशन, सेम सैलरी, 30 वैकेंसी है। अगला पद है प्यून का, सेम क्वालिफिकेशन, सेम सैलरी, 6 पद, ठीक है। फिर यहाँ पर दफ्तारी की 4 वैकेंसी, फिर उसके बाद है स्ट्रेचर बैरियर की, यहाँ पर देख पाएंगे आप 8 वैकेंसी है। स्वीपर की 15 वैकेंसी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे यहाँ पर हॉल अटेंडेंट की 4 वैकेंसी है। कुक के लिए 4 वैकेंसी है। एनिमल अटेंडेंट की 2 वैकेंसी है। धोबी की 12 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर पैकर की 12 वैकेंसी है। वर्कशॉप वर्कर की 6 वैकेंसी है। सबके लिए केवल एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है 8वीं पास, और सभी को 12,000 से 52,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। आपकी योग्यता के अनुसार है, यानी कि आपको धोबी की नॉलेज है कि एनिमल या वर्कशॉप या यहाँ पर बागाही जो की जाती है उसकी, स्वीपर की किस तरह की आपको नॉलेज है, उसके अनुसार यहाँ पर आपको पद भी दिया जाएगा। अब अगर आप ये नौकरी करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आयु आपके यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 38 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम आयु 1 जनवरी 2020 से यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट www.dme.assam.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन यहां पर करना अनिवार्य है। आवेदन आप कर पाएंगे, यहां पर देखेंगे 15 मई 2020 से आवेदन शुरू होंगे, 15 मई 2020 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और 30 मई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई फीस यहां पर जमा नहीं करनी है। केवल आपको आवेदन इस वेबसाइट पर जाकर इस समय सीमा के अनिवार्य बताया गया है। यहां पर साथ में कहा गया है कि कैंडिडेट शैल हैव चूज द पोस्ट, यहां पर कहा गया है कि आपको जो भी मैंने अभी पद बताए हैं, इन सभी पदों में केवल एक ही पद के लिए एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है, एक व्यक्ति अन्य 2-3 पदों के लिए आवेदन नहीं करेगा। याद रखें, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, साथ में 2-2 फोटोकॉपी सेट होने चाहिए, ये आपको एप्लीकेशन के समय जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट होने चाहिए, कौन कौन से यहाँ पर सारे डिटेल्स बताए गए हैं कि जैसा कि आपका 8वीं है, पास सर्टिफिकेट या और जो एड्रेस है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे आपके पास अन्य सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ये पूरी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर भर्ती समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ और इसी तरह की जॉब्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।